छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्यपाल अभिभाषण पर सदन के बाहर भी सियासी तीर चले। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सरकार गठन के बाद भी अब तक कोई निर्णय नहीं होने पर तंज कसते हुए कहा कि किसान टकटकी लगाकर देख रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनते ही 2 घंटे के अंदर ही किसानों के लिए फैसले आ गए थे। इस सरकार के 10 दिन हो चुके हैं लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने मुख्यमंत्री साहब को कठपुतली करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री साहब सक्षम व्यक्ति हैं, रायगढ़ का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है लेकिन वे एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि किसान अभी तकतकी लगा के देख रहा है। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री ने जैसे ही शपथ ली थी 2 घंटे के अंदर में किसानों के ऊपर फैसले आ गए थे। अभी लगभग 10 दिन इस सरकार को हो गए हैं और किसी तरह के फैसले हुए नहीं हैं। धान खरीदी लगभग आधे दिन समाप्ति की ओर है और किसान अभी भी 20 कुंटल में धान बेच रहा है। 21 कुंटल में अगर ये आदेश भी करेंगे तो 1 कुंटल को क्या किसान साइकिल में लेके जाएगा? देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण को अगर आप पूरा देखेंगे तो राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ भी नहीं था। राज्यपाल का अभिभाषण एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण होता है जिससे सदन को सरकार के आने वाले 1 साल में जो गतिविधियां हैं, जो करने जा रही है, उसके बारे में पता चलता है। लेकिन राज्यपाल जी के अभिभाषण को मैं ये कहूँगा कि ये शून्य रहा, 0/8 रहा। यही मैं राज्यपाल के अभिभाषण को सरकार के द्वारा जो बुलवाया गया है, सरकार को यही कहूँगा कि आपने कोई योजना ही नहीं बनाई है, किसी तरह का कोई काम करने की सोच नहीं है आपकी। साल भर में आप क्या करेंगे? इसलिए अभी राज्यपाल के अभिभाषण को मैं 0 कहूँगा।